सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज इंडिया को इस रेड बटन को दबाकर और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए हमारे वीडियोस सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज इंडिया, दिस इज रेहान एंड दिस इज साहिल। सो टुडे वी आर गोइंग टू वॉच जंगली ऑफिशियल ट्रेलर, विद्युत जामवाल, पूजा सावंत एंड आशा भट्ट। ओके, चक्रसिल पता नहीं कौन है, डायरेक्टर क्योंकि इंटरनेशनल मूवी है शायद। चलो पहले अपन ट्रेलर देख लेते हैं और आगे करेंगे डिस्कस। विद्युत जामवाल का ये टीजर हम देख चुके हैं, आपने देखा होगा डिजिटल टीचर में क्या मस्त इंस्टेंट करते देखा है, right. लेकिन अब ट्रेलर में कितना स्टंट है वो तो देख के पता चलेगा। तो देखते हैं, हियर वी गो। बोला वाह यार, जंगल बड़ा है, नकली आते यार वीएफएक्स। बोला ये बोला है क्या बात है। अच्छा हाँ, उसका दोस्त है। Look at those tusks. जब शिकार इतना ताकतवर हो तो शिकारी भी टक्कर का होना चाहिए। तो ये तो किसी आदमी को खा रहा है। गधा होकर भी जानवरों के बारे में इतना कम कैसे जानता है। बधाई और राजी बरेली की बर्फी। अच्छा उन्होंने बनाई, क्या बात है। Our Junglee need a hero. Chakra Sel. कमाल एक्शन है यार इसमें। जंगली क्या बात है ये। अच्छा ये जंगल की सेफ्टी के लिए काम करेंगे चक्रसेल। ये कहीं वो उस वो एक मूवी आई थी जॉनसन की, डॉयन जॉनसन की जो मूवी आई थी उसके लोगो जैसा नहीं लग रहा है लोगो। जंगली अरे वो उसका नाम भी जंगल था। जंगल बुक ऐसा जंगल बुक की था शायद। नहीं सिर्फ जंगल सिर्फ था जंगल ऐसा कुछ जो भी था। लेकिन ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। और बात करें अगर इसकी और डायरेक्शन की तो चक्रसेल ने इसको डायरेक्ट किया है। ओवरऑल टेली सीरीज वाले यहाँ पर ये जंगली मूवीज आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है ना। हाँ मैंने भी सुना है। नहीं यार ये इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं है ना, इंडिया नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है, बाकी डायरेक्ट इंटरनेशनल। ये हिंदी मूवी है। हाँ हिंदी मूवी है, डायरेक्ट भाई बाहर का डायरेक्टर। डायरेक्टर बाहर का है चक्रसेल, डायरेक्टर इज हॉलीवुड डायरेक्टर चक्रसेल। और भाई बात करें अगर इसके एक्शन की तो एक्शन को डायरेक्ट किसने किया बोला मुझे, खुद विद्युत जामवाल ने। क्या बात कर रहा है, बाय हिमसेल्फ। वाओ तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्शन को खुद डायरेक्ट किया है, मतलब उन्होंने खुद के और वो एक्शन देखा भी यार और कमाल का है। स्टंट डन बाय हिमसेल्फ, ऑल स्टंट। वो स्टंट तो खुद करते ही है वो, तो स्टंट तो अपने उनको। और अभी एक और लेटेस्ट न्यूज मिली है, इसके बाद उनकी कमांडो 3 भी आने वाली है। हाँ, कमांडो 1, कमांडो 2, अब कमांडो 3 आने वाली है। इट्स अमेजिंग न्यूज यार, क्योंकि यार ये सच में लगता है ना और बहुत अच्छा लगता है। और कहीं बाहर शूटिंग होगी उसकी, इंडिया से बाहर आई थिंक शायद। बहुत अच्छा लगा यार वो कमांडो 1 और 2 दोनों देखी, दोनों ही कमाल की मूवी है। एक्शन भी बहुत अच्छा है दोनों, एक्शन तो बहुत तगड़ा करते हैं। और इनका जो मार्शल आर्ट है उसका मैं बहुत शुरू से फैन हूँ, जब से इनको देखा है मैंने मूवीज़ में।
बहुत कमाल की एक्शन स्टंट्स वगैरह दिखाते हैं, एक्टिंग भी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि स्टंट एक्सप्रेशन दिखाना मेन होता है, एक्सप्रेशन लगने चाहिए कि ओरिजिनल है. करेक्ट. और पूजा सावंत को मैंने पहली बार देखा, मैंने भी पहली बार शायद डेब्यू हो उनका. और विलेन के रूप में उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उनको बहुत सारी मूवीज में देख चुके हैं. वो शायद शिकारी बने हैं जो जंगल में शायद शिकार करना है हाथियों का दांत वगैरह, वो जो तस्करी वाला सिस्टम रहता है, तो उस चक्कर में शायद है, तो उसका मुकाबला करेंगे वो कि जंगल को सेव करेंगे. सेफ एंड वाला सीन देखा ना, वो जब सांप आता है बोले उससे बोला मैं तो दोस्त हूँ भाई. हाँ मतलब वो जंगल में ही रहते हैं और जंगल से चले जाते हैं कई बार, फिर वापस आते हैं कई सालों बाद, तो बोलते हैं तुम मुझे छोड़ के गए थे और तुम ही मुझे मिस कर रहे थे. हाँ. वाला सीन उसे लग रहा है. तो ओवरऑल एक्शन वाली मूवी रहने वाली है, फुल एक्शन रहेगा. और अगर हो सके तो उसको और लैंग्वेजेस में रिलीज़ करना चाहिए, इस टाइप की मूवीज़ एक अच्छा मैसेज भी पहुंचाती है. और मैंने देखा है अभी कुछ सालों से जो इनकी मूवीज़ देख रहा हूँ बॉलीवुड में, वो सब मूवीज़ में कुछ ना कुछ मैसेज रहता है. जैसे कमांडो 2 में था ब्लैक मनी का मैसेज, इसमें था जंगल बचाने का मैसेज, इसके पहले कमांडो 1 में था कमांडोज की सेफ्टी का व्यू और वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट भी था. हाँ तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इनकी मूवीज़ में कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है हमें हमेशा. कलर बाय रेड चिलीज कलर, कलर बाय रेड चिलीज कलर. हाँ वो VFX, हाँ वो VFX का यूज़ किया हुआ, तो वो रेड सीरीज वालों ने किया. और ट्रेलर इज़ गुड. सो आप लोग बताइए मूवी देखने कौन कौन जा रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है. क्यों? जस्ट बिकॉज इसमें बहुत अच्छे मैसेज हैं. और स्टंट के कोई दीवाने हैं विद्युत जम्वाल के, तो मेरे जैसा बंदा तो जरूर जाएगा ऐसी मूवी देखने के लिए. मैं विद्युत जम्वाल के बड़ी स्क्रीन पे इस तरह के स्टंट देखने का बहुत आदि हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की मूवी. और ये जो लोगो है इसको देख के मुझे एक जो मूवी नहीं जिसमें वो गेम चलता है, अभी मूवी डेविन जॉनसन की अभी रिलीज होती, याद नहीं आ रहा साला, यही तो है स्क्रिप्ट लिख के रखते ना जुमानजी, जुमानजी उसके लोगो जैसा लग रहा है, जंगल के बीच में जुमानजी लिखा हुआ गया, वैसे ही तब दिन से जुमानजी लिखा हुआ गया. वही देख ना हाथी का सुन वैसे दिखा रहा है, जुमानजी का जू है, थोड़ा थोड़ा सा कुछ इंस्पायर है उससे, इंस्पायर्ड है. खैर ओवरऑल इट्स ऑसम. तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगे तो प्लीज़ करें लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन मेक लव नॉट वॉर.